हेलो एवरीवन, वेलकम टू दयाल एजुकेशन। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन का वेरी शॉर्टिक मेथड बताएंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और सभी बैंकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हम यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए, प्लस है, प्लस में वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने 42 का फैक्टर किया। 42 का फैक्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 × 7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, प्लस है, इसलिए आप देखिए 6 और 7 में कौन ग्रेटर नंबर है, तो 7 आपका ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, ये आंसर 7 होगा इसका। और नेक्स्ट, इसी तरह हमने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, लेकिन वो माइनस में, सेम है लेकिन माइनस में है। एक्स इक्वल टू अंडर रूट 42 माइनस 42 और माइनस 42 और इनफाइनाइट में है। तो देखिए, यहाँ पे माइनस में है, तो इसलिए 42 का फैक्टर 6 × 7 होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 6। और यहाँ पे एक और हमने क्वेश्चन लिया है, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए, 12 का अगर आप फैक्टर करेंगे 4 × 3 होगा, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्लस में है, तो जो 4 और 3 में ग्रेटर होगा उसे हम वो नंबर लेंगे। तो हमारा ये 4 जो है ग्रेटर वैल्यू है, तो ये इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने दयाल एजुकेशन को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।